साल 2024 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए अच्छी हुई है और इसका क्रेडिट जाता है कटरीना कैफ, विजय सेतुपति और इस फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन को। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरी क्रिसमस फिल्म की। ये फिल्म सिनेमा घरों में आ गई है। आज सुबह ही मैंने इस फिल्म को देखा। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म को देखने लोग आए थे। पहली बार तो कटरीना कैफ ने बिल्कुल अलग हटकर किरदार किया है। वहीं विजय सेतुपति इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन हमेशा जो है थ्रिलर फिल्मों के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने अंधाधुन जैसी फिल्म बनाई, उन्होंने बदलापुर बनाई है, एक हसीना थी जैसी फिल्म उनके खाते में है, एजेंट विनोद उन्होंने बनाई, और ये जो उनकी फिल्म है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनका बेस्ट काम आप इस फिल्म में देख सकते हैं। ये मेरी क्रिसमस फिल्म जो है कटरीना कैफ की वजह से भी चर्चा में थी, क्योंकि कटरीना कैफ हमेशा ग्लैमरस रोल के लिए जानी जाती रही, लेकिन इस बार उन्होंने अलग हट के काम किया है। तो आपको हम इस फिल्म की कहानी ये है कि मारिया एक बच्ची की माँ है, वो अपनी शादी से बहुत खुश नहीं है, पति उस पर जुल्म करता है। दूसरी तरफ विजय सेतुपति हैं जो कि अपनी लाइफ में अलग उनकी परेशानी है, 7 साल पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर चुके हैं और ये दोनों एक सिनेमा हॉल में मिलते हैं। फिल्म को दिखाया गया है कि ये फिल्म 80 के दशक तक की है, उस तरह का जो लुक है, सिनेमा हॉल में पंखे चल रहे होते हैं, तो जो समय है वो देखकर लगता है कि आज से 20 साल पुरानी कहानी है। और मारिया जो है उनसे दोनों की दोस्ती होती है, सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं, वो दोनों एक दूसरे, जो विजय सेतुपति जिनका किरदार अल्बर्ट का है, अल्बर्ट मारिया की मदद करता है, मदद करते करते उनके घर तक आ जाता है क्योंकि बेटी को गोद में उठाकर ले आ रही होती है। इसी बीच मारिया और वो बाहर निकलते हैं थोड़ा घूमने, फिर जब वापस लौट कर आते हैं तो इसी बीच मारिया के पति जेरोम जो है वो खुदकुशी कर चुका होता है, उन पर गोली लगी होती है। मारिया अपने पति से इसलिए नाखुश है क्योंकि उसको लगता है उसके पति दूसरी औरतों के साथ उनके पति के संबंध है, और जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसका पति जो है खुद को गोली मार चुका है। इसके बाद से कहानी में ट्विस्ट आती है, वो उसको समझ में नहीं आता क्या करे, और विजय जो कि पहले से 7 साल की जेल की सजा काट चुके हैं, जिनका नाम अल्बर्ट है, वो कहते मुझे इसमें नहीं फंसना, और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद मारिया फिर से अपनी बेटी के साथ निकलती है, चर्च जाती है, चर्च में वहां रॉनी मिलता है जिसका किरदार संजय कपूर ने निभाया है, रॉनी को लेकर आती है। रॉनी के साथ वो वैसी बिल्कुल विस्की पीती है, वैसी ही बातें करती है, डांस करती है जैसे अल्बर्ट के साथ समय बिताया था, और इसके बाद दोबारा उसके साथ बाहर जाती है, और फिर और इस दौरान रॉनी और मारिया के साथ अल्बर्ट भी है क्योंकि वो भी पीछे पीछे उनके चर्च चला गया। अल्बर्ट इनकी मदद करता है, मारिया जो कि चर्च में बेहोश हो गई थी लेकर आने में। इसके बाद कौन है उनके पति का कातिल, क्या उन्होंने खुदकुशी की या फिर किसी ने मार दिया, यही इस फिल्म की कहानी है। यहाँ मैं इसको पूरा खोल नहीं सकती। इंटरवल के बाद फिल्म में एक के बाद एक नए रहस्य खुलते जाते हैं और फिल्म के प्रति आपकी दिलचस्पी बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल एक नेल बाइटिंग मूवी है, हर सीन के बाद एक नया रहस्य आता है, और फिर इस फिल्म का जो एंड है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आधा घंटा जो इस फिल्म का एंड है उसमें आपको फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग है, आप बस पूरी फिल्म को देखते रह जाते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको कहूँगी कि आप इस फिल्म को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कटरीना कैफ ने इससे पहले किसी भी फिल्म में इतना बढ़िया काम नहीं किया है, ये उनके करियर की बेस्ट फिल्म कह सकते हैं। विजय सेतुपति ने भी अपने किरदार में जान डाल दिया है, उनको देखने में अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, उनका जो डायलॉग डिलीवरी है, चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस हैं बहुत शानदार हैं, तो इन दोनों ही किरदारों ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये फिल्म 2 भाषाओं में बनी है, तमिल में भी इसको शूट किया गया और हिंदी में भी, तो तमिल के जो कलाकार हैं वो अलग हैं, हिंदी में जो कलाकार हैं वो विनय पाठक हैं जिन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार किया है, प्रतिमा काजमी वो भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, अश्वनी कालसेकर हैं जो कि फिल्म में संजय कपूर की वाइफ बनी है, तो ये सारे किरदार हैं। ओवरऑल ये एक अच्छी फिल्म है। फिल्म में गाने प्रीतम ने दिए हैं, लेकिन गाने बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करते क्योंकि एक सस्पेंस फिल्म है और उसकी वजह से जो है गाने भी उसी तरह के हैं, लेकिन फिल्म का जो थ्रिलर है, जो सस्पेंस है, वो बहुत अच्छा है, शानदार है, फिल्म के प्रति आपकी दिलचस्पी बनी रहती है। प्लस इसमें कटरीना कैफ है, तो कटरीना कैफ हमेशा से बॉलीवुड में अलग तरह के किरदारों के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर कटरीना को आपको एक सीरियस रोल में देखना अच्छा लगता है।
तो मेरी तरफ से इस फिल्म को है 4 स्टार। आप चाहें तो इस फिल्म को सिनेमाघरों में देख सकते हैं, बढ़िया फिल्म है। और अगर आपने श्रीराम राघवन की पहले भी फिल्में देखी हुई हैं, अंधाधुन देखी हुई है उनकी, अगर आपने बदलापुर देखी है, तो आपको ये फिल्म भी ज़रूर देखनी चाहिए।